नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान में महंगाई दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें भी बेहद महंगी कीमत पर बिक रही है। इससे आम जनता का जीना दूभर हो गया है। लोग इस कदर लाचार हैं कि दाल और आटे जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हजारों रुपए देने को मजबूर है। इस स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तानी पीएम दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हुए हैं, लेकिन फिर भी देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में कई विश्लेषक मानने लगे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति में जल्दी कोई सुधार नहीं हुआ तो टूटकर बिखर जाएगा। यह कहीं न कहीं भारत के लिए बेहद मुफीद समय है। पाकिस्तान इस वक्त 6 संकटों से जूझ रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे खराब दौर में है और ऐसे में भारत चाहे तो जंग का ऐलान करके पीओके और बाकी इलाके को अपने में मिला सकता है। पाकिस्तान राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा सिस्टम पहचान और पर्यावरण से जुड़े खतरों से जूझ रहा है। इनकी वजह से संभव है कि साल 2023 में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाए। अगर ऐसा होता है तो हजारों लाखों रिफ्यूजी वहां से निकलेंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। खास तौर से भारत पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक संकट आ गया है। इमरान खान के सियासी तमाशे से देश में संघीय सरकार के लिए काम करना असंभव सा हो गया है। पाकिस्तान की सरकार खुद आधा वक्त तो इमरान खान के साथ सियासी फुटबॉल खेल रही है। उसे सरकार चलाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही है। पाकिस्तान महंगाई से बेहद परेशान चल रहा है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। देश दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। देश फिलहाल दो जंग लड़ रहा है। एक अफगानिस्तान तालिबान के खिलाफ जंग चल रही है तो दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई छिड़ी है। टीटीपी ने तो बाकायदा अपनी एक अलग सरकार घोषित कर दी है। पाकिस्तान में अब दो सरकारें चल रही है। अफगानिस्तान से अमरीका सेना की वापसी से आतंकियों के हौसले बुलंद है। उन्हें लगता है कि जब अमेरिका उन्हें नहीं हरा पाया तो ये पाकिस्तान क्या चीज है। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि भारत की सरकार पाकिस्तान की तरह नहीं सोचती है, अन्यथा भारत के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दे और जो हिस्से उसे चाहिए उससे ले ले। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।